नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप डॉट कॉम। बॉलीवुड और विराट कोहली का कनेक्शन तो आप जानते ही हैं, मगर आज हम उस कनेक्शन के बारे में बात करने वाले नहीं हैं, हम एक दूसरे मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने विराट कोहली को याद किया है। उनका मानना है कि विराट कोहली दुनिया के सबसे बेहतरीन बैट्समैन है, मगर नसीरुद्दीन का मानना सिर्फ इतना ही नहीं है, उनको ये भी लगता है कि विराट दुनिया के सबसे बदतमीज खिलाड़ी हैं, सबसे बुरा बर्ताव करने वाले प्लेयर हैं। पर नसीरुद्दीन को ऐसा क्यों लगा, पहले ये जान लीजिए। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में है, पर्थ में दूसरा टेस्ट मैच चल रहा था, इसी में 17 दिसंबर यानी मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन क्रीज पर थे। 5वें विकेट के लिए उनकी और उस्मान ख्वाजा के बीच बढ़िया पार्टनरशिप चल रही थी। इंडियन बॉलर्स इस पार्टनरशिप को तोड़ नहीं पा रहे थे, इससे कोहली हो गए फ्रस्ट्रेट। इसी फ्रस्ट्रेशन के बीच चल रहा था 71वां ओवर, पेन स्ट्राइक पर थे, सिंगल लेने के लिए वो दौड़े, दौड़कर नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे। ठीक उसी वक्त कोहली सनसनाते हुए टीम के पास पहुंचे, फिर टीम के आगे सीना तानकर खड़े हो गए। दोनों की बहस भी हुई, अंपायर थे क्रिस गाफने। दोनों खिलाड़ियों को भिड़ते देखकर उनको गुस्सा आया, अंपायर ने दोनों को शांत कराते हुए कहा, हो गया हो गया, आइए खेल खेलिए अपना, आप दोनों कैप्टन हैं। बस इसी बात ने नसीरुद्दीन को भी गुस्सा कर दिया। उनका फेसबुक पर लिखा हुआ पूरा पोस्ट भी देख लीजिए, उन्होंने लिखा है, विराट कोहली न केवल दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं, बल्कि वो दुनिया के सबसे बुरा बर्ताव करने वाले खिलाड़ी भी हैं। उनमें क्रिकेट की जो प्रतिभा है वो उनकी आक्रामकता और बदतमीजी के आगे फीकी पड़ जाती है, और हाँ, मेरा देश छोड़कर जाने का भी कोई इरादा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये देश छोड़कर जाने वाली बात कहाँ से आ गई, दरअसल ये भी विराट पर तंज था। नवंबर की बात है, विराट एक ऐप लॉन्च कर रहे थे, लॉन्च करते हुए अपने फैंस के साथ लाइव इंटरेक्ट कर रहे थे। किसी ने लिख दिया कि विराट ओवररेटेड बैट्समैन है, साथ में ये भी लिखा कि उनको इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ज़्यादा पसंद हैं। इस पर विराट को गुस्सा आया, उन्होंने उस फैन से कहा, मुझे नहीं लगता कि आपको भारत में रहना चाहिए, जाइए और कहीं और रहिए, क्यों आप हमारे देश में रह रहे हैं और बाकी देशों से प्यार कर रहे हैं, आप मुझे पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको हमारे देश में रहकर बाकी चीज़ों की पसंद करना चाहिए, अपनी प्राथमिकताएं सही कर लीजिए। विराट के इसी गुस्से पर नसीरुद्दीन ने भारत से बाहर जाने वाला तंज कसा। मामले में सुनील गावस्कर को भी गुस्सा आ गया है। गावस्कर ने कहा है, भारतीय टीम के खिलाड़ी कोई संत नहीं है, उन्होंने शुरू की है ऑस्ट्रेलिया में स्लेजिंग वाली जंग, अब उन्हें इसका सामना करने को भी तैयार रहना चाहिए, ऐसी स्थितियों में हम हमेशा हारेंगे, ऑस्ट्रेलिया को तो ऐसे खेलने की आदत है मगर हमें नहीं है, इस तरह से क्रिकेट खेलना हमारे डीएनए में नहीं है। आपको ये भी सोचना होगा कि क्या टीम का हर सदस्य इसको झेल सकता है। गावस्कर एक बड़ा सवाल छोड़ गए हैं, क्या इस स्लेजिंग को और खिलाड़ी झेल पाएंगे, दूसरे टेस्ट में तो नहीं झेल पाए, बाकी का जवाब अगले 2 टेस्ट मैच में मिल जाएगा। आपका इस मामले में क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कीजिए। शुक्रिया।